बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने दबिश दी है। प्लास्टिक के ड्रम में खौलता हुआ दूध डाला जा रहा है। रायपुर से बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें, प्रोफेसर कॉलोनी की पनीर फैक्ट्री में दबिश दी गई। दूध पाउडर पाम ऑयल से पनीर बनाया जा रहा है। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में दूध का पाउडर मिला और फैक्ट्री में दूध पाउडर और तेल के मिक्स में गंदगी मिली है। मछली रखने के लिए इस्तेमाल किए गए डिब्बों में पनीर पैक किया जा रहा था और प्लास्टिक के ड्रम में खौलता हुआ दूध डाला जा रहा था। अधिकारी अब पनीर और कच्चे माल का सैंपल जब्त कर चुके हैं। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, खाद्य विभाग के अधिकारियों ने दबिश दी है और क्या अधिक जानकारी मिली है हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला बताएंगे। क्या अपडेट है संदीप, बताएं। देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात है कि जिस पनीर को आप दूध से बना हुआ सोच के पौष्टिक समझ के खा रहे हैं, वो तैयार किया जा रहा है पाम ऑयल से। पाम ऑयल अपने आप में डॉक्टर्स घातक बताते हैं, काफी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और इसे लगातार खाने के लिए मना किया जाता है। आप बच्चे बुजुर्गों को महिलाओं को सोचेंगे पोषण युक्त पनीर खिला रहे हैं, लेकिन वो तेल से और मिल्क पाउडर से बनाया जा रहा है। अब बाजार में देखिए 340-350 रुपए किलो जो है वो पनीर बिकता है, ये जो दूध पाउडर है मिल्क पाउडर है और तेल से वो बना हुआ पनीर है, ये 200 रुपए में मात्र मिल रहा है। हमने उससे बात भी करी। दूसरा जो मिक्स तैयार किया जा रहा है खोला कर, उसमें हमें मक्खी मिले, प्लास्टिक के टुकड़े मिले, कीड़े मिले और तो और वो इतना ज्यादा गर्म है कि उससे पास रहना भी मुश्किल है। उसे प्लास्टिक के जो इथाइल एस्टेट का जो ड्रम होता है उस पे रखा जा रहा है, तो अपने आप में कैंसरस माना जाता है कि प्लास्टिक के जो ड्रम होते हैं। मछली वाले डिब्बे का क्या माजरा है? देखिए जो पनीर तैयार हो रहा है उससे मछली के जो डब्बे हैं, जो मछली लाने ले जाने के लिए काम आता है मछली मार्केट से, इसकी कीमत होती है नए डब्बे की 410-420 रुपए। मगर पैसा बचाने के लिए सेकेंड हैंड खरीदा जा रहा है, मतलब जिसको मक्खी रखकर इस्तेमाल किया जा चुका है, मछली रखकर इस्तेमाल किया जा चुका है उसे। इनका कहना है कि साबुन से धो पोछ के उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कितने ऐसे शाकाहारी लोग होंगे, धार्मिक लोग होंगे जो मांसाहार नहीं खाते हैं, उस जब वो देखेंगे इन तस्वीरों को तो उनका तो भरोसा ही उड़ जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि सबसे घातक बात इसमें यह है कि लोग जो जिम जाते हैं, जो कसरत करते हैं, टहलते हैं, वो रोज पनीर का एक बड़ा टुकड़ा खाते हैं सेहत बनाने के लिए, मगर जब पाम ऑयल मिल रहा है उसमें तो हार्ट के पेशेंट्स के लिए और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए अपने आप में काफी जो है ये खतरनाक बात है। दूसरा आपको बता दें कि दो ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां से 4-4 महीने पहले सैंपल हुआ था, उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। लोग उसका पनीर हर दिन खरीद के खा रहे हैं, दुकानों में सप्लाई हो रहा है सैकड़ों, इनके अभी कम से कम 450-500 किलो पनीर था। तो बड़ी अहम बात कही संदीप आपने, केवल छापा मारने से दबिश देने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि 4 महीने पहले जहां पर छापा मारा गया था उसकी रिपोर्ट तक आज तक आई नहीं है और वहां से पनीर और दूध की सप्लाई हो रही है। एक और जगह छापा मारा गया, लेकिन यहां एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि दूध पाउडर और पाम ऑयल से पनीर बनाया जा रहा है। दबिश दी है खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने। देखिए और आपको देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि हम लगातार इसके खबर में लगे हुए थे, हमारे इनपुट पे खाद्य विभाग की टीम को भी साधुवाद है कि जो टीम वहां पर पहुंची, हालांकि कुछ समय लगा लेकिन टीम पहुंची और सैंपल लिए जा रहे हैं। इसमें देखिए अच्छी बात यह है कि पनीर का सैंपल लिया जा रहा है, तेल का सैंपल, मिल्क पाउडर का सैंपल और एक्टिक एसिड का भी सैंपल लिया जा रहा है, मतलब जितने अलग अलग। संदीप आप नजर बना के रखिएगा इस खबर पर, अपडेट आपसे आगे भी हम लगातार लेते रहेंगे। छिटकता रहता, गंदा होता रहता है।